આ પ્રોગ્રામના પ્રાયોજક છે નીલકંઠ પતંગ હોટલ. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અતિથિમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. અતિથિ એટલે એવો કાર્યક્રમ કે જે કાર્યક્રમમાં વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ સાથે આપની મુલાકાત કરાવે છે. અતિથિ કાર્યક્રમમાં અત્યાર સુધી બધા જાણીતા ચહેરાઓને અમે આપની સમક્ષ લાવ્યા છે અને તેમની સાથે વાતો કરી છે અંતરંગ. પરંતુ આજે અતિથિ કાર્યક્રમમાં કંઈક વિશેષ છે. નોર્મલી અતિથિ કાર્યક્રમ જ્યારે શરૂ થતો હોય ત્યારે ગેસ્ટ જોડે ચર્ચા કરવા માટે મારી નજર આમ હોય છે, પરંતુ આજે ગેસ્ટ જોડે ચર્ચા કરવા માટે મારે નજર આમ લાવવી પડશે. કારણ કે બિલકુલ નાના અતિથિ છે. આજે અમારી સાથે છે સલોની, યાની કે ગંગુબાઈ. સલોનીજી, સ્વાગત આપકા કાર્યક્રમ મેં. થેન્ક યુ. ક્યા 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 આપ ક્યા સુનના ચાહતે, કિસ નામ સે પુકારે લોગ આપ સુનના ચાહતે, આપકો સલોની બોલે અચ્છા લગતા હૈ યા ગંગુબાઈ બોલે અચ્છા લગતા હૈ? મેરે દોનો અચ્છે લગતા હૈ. દોનો અચ્છે લગતા હૈ. સલોની 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 કે સલોની કો બહોત દેખા હૈ લોગો ને ટીવી મેં. કિસી ને 14 ઇંચ કે ટીવી મેં દેખા હૈ, કિસી ને 21 ઇંચ કે ટીવી મેં દેખા હૈ, કિસી ને બડે પ્લાઝ્મા ટીવી મેં દેખા હૈ. લેકિન સલોની જી જો દિખતી હૈ, મજાક કરતી હૈ, સબકી ખિલ્લિયા ઉડાતી હૈ, મસ્તી કરતી હૈ, એસી સલોની હૈ? સચ્ચી બહોત મસ્તી કરતી હૈ સલોની? ઘર પે કરતી હું. ઘર પે ક્યા 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 મસ્તી કરતે હો આપ? કુછ ભી. ફિર ભી? કુછ ભી કરતી હું. ક્યા ક્યા કલ ક્યા મસ્તી કિયા થા? કલ મેં તો શો મેં ગઈ થી. વહાં તો કુછ મસ્તી તો કી હોગી? સલોની ચૂપ તો નહીં બેઠી. શૂટિંગ કિયા થા. ઓકે. ઉસમેં મસ્તી કી થી. કિસસે મસ્તી કી થી? એક હૈ રાજીવ ઠાકુર કિસકે સાથ. ક્યા કિયા થા આપને? કુછ ભી કિયા થા. હે ઓકે. સલોની કો જબ સ્ક્રિપ્ટ દિયા જાતા હૈ, બોલા જાતા હૈ ના કે યે આપકો બોલના હૈ, હે ના, તો વો સ્ક્રિપ્ટ કેસે યાદ કરતી? ક્યોંકિ ઇતની સલોની, ઇતની છોટી સલોની, ઉસમે સે ભી ઇતના છોટા સા દિમાગ, ક્યોંકિ હમારે બડે દિમાગ મેં ભી બહોત સારી બાતે યાદ નહીં રહેતી હૈ, તો સલોની જી કેસે યાદ કરતી હૈ સબ ડાયલોગ્સ કો? યાદ કરતી હું, મુજે મેરી મમ્મી યાદ કરાતી હૈ. ઓકે, તો રિહર્સલ કરવાતી હૈ મમ્મી યા ફિર ડાયરેક્ટર કરવાતે? ડાયરેક્ટર નહીં કરવાતે, મમ્મી મુજે સ્ક્રિપ્ટ યાદ કરાતી હૈ, ઉધર ગ્રૂમર્સ હોતે હૈ. ઓકે, તો ફિર યાદ રહે જાતા હૈ. रीटेक नहीं आते सलोनी के, ये बहुत अच्छी बात है. उधर रीटेक अलाउड नहीं है, एक टेक में होता है. okay. और अगर रीटेक लिया तो आउट. ओके, तो सलोनी को कितनी बार इतने चांस मिले, एक भी बार आउट नहीं हुई? कभी 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 ऐसा हुआ है कि डायलॉग भूल गई थी सलोनी? एक बार हुआ है लेकिन मैंने संभाल लिया. क्या हुआ था वो जरा बताएंगे, डायलॉग क्या था? मैं शकील बनी थी और एक डायलॉग था पूर्वी के पेमेंट के बारे में बताओ, तो मैं वो भूल गई थी और मैंने बोला मेरे पार्टनर है उससे पूछना था मुझे, तो मैंने बोला आपके मन में जो भी आए वो बताओ. ओके. ऐसे बोला था, तो उसने पूछा पूर्वी के पेमेंट के बारे में बताओ क्या. अच्छा, तो उसमें आपने संभाल लिया था, सामने शकील जी ने भी संभाल लिया था. ओके. सलोनी 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 इतना ज्यादा सलोनी लोगों को हंसाती है, सलोनी को सबसे ज्यादा हंसी किसके डायलॉग्स में, किसके परफॉर्मेंस में सुनने से आता है? मुझे सबके आता है. फिर भी सबसे पसंदीदा फेवरेट कौन है? भारती दीदी. मजा आता है आपसे ज्यादा? वो भी इतनी मस्ती खोर है. बहुत मस्ती करती है. है ना, उसने क्या मस्ती किया था, एक किस्सा सुनाइए जरा. मतलब ऐसे नहीं करती है, खेल वगैरह मजाक करते. अच्छा 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 अच्छा. सलोनी को कभी सेट पे डांट पड़ी है कुछ गलती की वजह से? सच्ची बताना, कभी तो हुआ होगा. घर पे डांट पड़ी होगी? घर पे मम्मी पापा डांटते हैं कभी कभी. लास्ट कब डांटा था, जो जोरदार डांटा था, ऐसा क्या था? याद नहीं है. याद है लेकिन बताना नहीं चाहते आप? नहीं. सच्ची? नहीं है. ओके फाइन. सलोनी सलोनी पढ़ाई भी करती है क्या? हाँ. किस स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं? सेकंड. और कौन सी स्कूल है आपका? ठाकुर विद्या मंदिर. ओके,
स्कूल में मतलब मैं मुझे वो बात करनी है सरोनी, जब आप पहली बार टीवी में आने के लिए ऑडिशन देने गई होगी, क्या हुआ था उस दिन? कुछ नहीं, मैंने ऑडिशन दी थी। क्या 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 दिया था? गंगूबाई का दिया था। क्या था वो डायलॉग, याद है कुछ जो पहला दिया था वो? तब मैं बहुत छोटी थी। अभी बहुत बड़ी हो गई है है ना, इसलिए याद नहीं। बहुत साल पुरानी बात है ना ये तो, बहुत साल पुरानी ना, 25-30 साल पुरानी। एक दो साल। ओके। अच्छा, गंगूबाई का जब रोल करती है, परफॉर्म करते हैं सलोनी, तो बहुत बड़ी आवाज होती है, और अभी तो धीरे धीरे बोल रही है सलोनी जी। क्योंकि यहाँ शूटिंग नहीं चालू है, इसलिए शूटिंग तो चालू है, कैमरा एक दो लोग भी, ऑडियंस भी बैठा हुआ है ना। वो परफॉर्म मुझे चाहिए सलोनी जी, एक एक अच्छा गंगूबाई वाला डायलॉग जो आपको पसंद है, याद है। जलिको अकुईते बुजिको रकुईते, जलिको अकुईते बुजिको रकुईते, और मेरे आदमी में जिस चीज की कमी है उसे दिमाग कहते हैं। ओके। सलोनी जी, पिक्चर तो देखते हैं आप, रेगुलर देखते हैं, नई फिल्में देखते हैं। कौन हीरो कौन पसंद है आपको? ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई? ऋतिक रोशन की तो बहुत सारी फिल्में आई ना, सबसे ज्यादा पसंद कौन सी? क्रिश। ओके। और हीरोइन कौन सी पसंद है आपको? प्रियंका चोपड़ा। ऋतिक रोशन की कभी कोई मिमिक्री करने की कोशिश की आपने? कभी नहीं। करना चाहेंगे कभी अगर कोई अच्छी से स्क्रिप्ट दे तो आपको? वो सिखाएंगे मुझे अगर ऋतिक रोशन का किया था तो। दर्शक मित्रों, सलोनी साथे घनी बधी वातो करी छे, परंतु समय थयो छे एक नानकडा विराम नो। I love the pit pit patter of the raindrops. I love the buzz buzz buzzing of the bee. I love the pit pit patter of the raindrops. Na 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 ho 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 ho. કોઈ છે નંબર વન ની સાથે, કોઈ છે સનસની સાથે, ગુજરાત ન્યૂઝ સત્યની સાથે। વિરામ બાદ ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપનું કાર્યક્રમ અતિથિમાં। વાત કર્યા છે આપણે સલોની સાથે। સલોનીજી, સેકન્ડ મેં પઢતે આપ, સહી મેં પઢાઈ કરતે હો સ્કૂલ મેં? હા, ક્યોંકિ અભી તો આપ સ્ટાર બન ગયે તો ટીચર ભી આપકો ડાંટતે નહીં હોંગે? ડાંટતી હૈ। ડાંટતી હૈ ટીચર? કોન સી હૈ વો ટીચર, મુજે નામ બતાઓ ઉસકા। લેકિન મેં એસા કામ કરતી નહીં હું। અચ્છા, મતલબ આપ પઢને મેં ભી બહોત હી ક્લેવર હૈ। કોન સે મતલબ કોન સે સબ્જેક્ટ્સ આતે આપકો પઢને મેં? मुझे आते मैथ, CBS, इंग्लिश, ग्रामर और इतने होते हैं हमें। बोरिंग, सबसे बोरिंग सब्जेक्ट कौन सा लगता है? सबसे बोरिंग हिंदी सबसे बोरिंग लगता है? और हिंदी सब्जेक्ट की टीचर कैसी लगती है? लेकिन हमें हिंदी होता ही नहीं है। हिंदी होता नहीं है और हिंदी बोरिंग होता है, खिल्ली उड़ा रहे हो है ना। आप अगर इतना अच्छा हिंदी बोलते तो आपको हिंदी सीखना चाहिए और बोरिंग नहीं भी लगना चाहिए, सही ना? मम्मी क्या? मम्मी और पापा सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? किसी से भी नहीं। दोनों आपसे डरते हैं? नहीं। अच्छा, आपका 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 फास्ट फ्रेंड कौन है सर? करीना, सानिया और रिया। करीना, सानिया और रिया,
वो आप जहाँ रहते वहीं पे रहते हैं या आपके स्कूल में पढ़ाई करते हो? रिया और करीना मेरे स्कूल में पढ़ते हैं और सानिया मेरे बिल्डिंग में रहती है। अच्छा अच्छा, सानिया की क्या बात अच्छी लगती है? वो बहुत आपको हेल्प करती है इसलिए अच्छी लगती है? वो मेरे साथ बहुत खेलती है और मजे करते है, मुझे बेस्ट फ्रेंड है वो मेरी। सलोनी, आप जहाँ पे भी जाते हो छोटे छोटे बच्चे आपके आजू बाजू आ जाते होंगे है ना, फिर क्या करते हैं वो लोग? फोटो खींचते। फोटो खींचते फिर और कुछ बोलते भी होंगे आपके साथ हाथ मिला के? हाथ मिलाते हैं और ऑटोग्राफ लेते हैं। ऑटोग्राफ लेते हैं। अच्छा सलोनी, प्रेयर करते हो आप मॉर्निंग में? स्कूल में करते हैं। क्या प्रेयर क्या होती है जरा हमको सुनाएंगे जरा? इतने सारे डायलॉग्स याद रहते, लेकिन पढ़ाई वाली सब चीजें याद रहती है? मुझे अभी 96% है। ओ ग्रेट ग्रेट, एक अच्छी सी पोएम सुनाएंगे? अभी पता चल जाएगा 96 आए थे कि नहीं आए थे। I love the pit pit patter of the raindrops. I love the buzz buzz buzzing of the bee. I love the pit pit patter of the raindrops. I love the buzz buzz buzzing of the bee. But the sound I love the best, the very very best, is to hear that God loves me. I love the hiss hiss hissing of the green snake. I love the roll roll rolling of the sea. I love the hiss hiss hissing of the green snake. I love the roll roll rolling of the sea. But the sound I love the best, the very very best, is to hear that God loves me. Very good. ये मुझे लगता है कहीं गलती कर दी आपके टीचर, 96 नहीं देने चाहिए आपको, आपको 100 out of 100 देने चाहिए है ना? म्यूजिक के मार्क्स नहीं मिलते। अच्छा, लिखने के मार्क मिलते हैं, गाने के नहीं मिलते। बिल्कुल सही बताया बेटा आपने। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि आपकी स्कूल में जो पढ़ाते हैं टीचर है ना, उनकी गलती क्या होती है? कुछ तो गलती निकाली होंगी आपने, सबकी गलतियां निकालते हैं आपने, कोई टीचर की भी गलती निकाली होगी बेटा। वो स्केल लेके बच्चों को मारती है। क्या क्या क्या, फिर से बताइए। वो स्केल लेके बच्चों को मारती है। अरे रे रे, कौन सी टीचर है ये? हमारी स्कूल टीचर। क्या नाम, क्या है? क्लेरा मिस। अरे ले ले ले, फिर आपने कंप्लेन किया था? कंप्लेन किया नहीं किया? आपको तो नहीं मारा होगा कभी? नहीं, जो बच्चे पनिश होते उनको। कभी एक बार तो आपको पनिशमेंट मिली होगी? एक बार मैंने ड्राइंग बुक नहीं लाई थी तो पनिशमेंट मिली थी। पनिशमेंट मिली थी, क्या पनिश किया था आपको? एक हैंड अप करके खड़े हमें। ओके, आपको क्या लगता है कि बच्चों के लिए पढ़ाई होनी चाहिए कि नहीं? पढ़ाई निकाल देनी चाहिए, क्या लगता है आपको? होनी चाहिए। होनी चाहिए, लेकिन खेलना भी चाहिए। मतलब ज्यादा खेलना होना चाहिए और कम पढ़ाई होनी चाहिए? नहीं, तो दोनों सेम ही। दोनों सेम होना चाहिए। आपने अमिताभ बच्चन का नाम सुना? आप मिले उनसे? मिले हो? क्या क्या हुआ था जब उनसे मिले थे तो? अमिताभ बच्चन ने क्या बोला था? मैंने उनके साथ एक घंटा न्यूज की थी और वो औरो बने थे और मैं गंगू भाई। अच्छा, फिर वो डायलॉग क्या हुआ था वो मुझे सुनना है। वो तो उदय का उधर ही हुआ था। क्या हुआ था, थोड़ा याद है कुछ? कुछ तो याद होगा। मैंने उनको एक शेर सुनाया था। कौन सा था वो? अभी मैंने बोला चली को कहते हैं मुझे। फिर से एक बार सुना दीजिए। और उन्होंने मुझे पाका डांस सिखाया था। ओके, कैसे करके दिखाया था? ओके। टीवी तो देखते होंगे आप जब टीवी पे आ रही है तो आप तो टीवी पे देखते होंगे है ना? न्यूज चैनल आती है मालूम है? न्यूज चैनल आती है, अच्छी लगती है? न्यूज चैनल अच्छी लगती है? अच्छा लगता है सब जो न्यूज दिखाते हैं, सब ये होने वाला है हिंदुस्तान में, ये होने वाला है, अच्छा लगता है? वो मतलब वो बोलते हैं कि 13 साल में हमारी दुनिया ये ब्लास्ट होने वाली, वो वाला नहीं, सब अच्छा लगता है। ये अच्छा लगता है न्यूज में ये सब बताते, अच्छा नहीं लगता ना? नहीं। आपका प्रोग्राम अभी न्यूज चैनल पे ही जा रहा है, अभी सबको बता दो कि न्यूज चैनल में अच्छे अच्छे न्यूज दिखाना चाहिए, क्या लगता है आपको? हाँ। है ना?
अच्छा, बच्चों के लिए जो टेलीविजन में प्रोग्राम आते हैं है ना, वो अलग अलग कार्टून के प्रोग्राम्स आते हैं, आपको क्या लगता है कि सलोनी जो कर रही है, हाँ सलोनी मतलब जो आप परफॉर्म कर रहे हो, कुछ हटके है सलोनी, बाकी जो बच्चे होते वो छोटे होते तब से पढ़ाई चालू रहती है, आपको लगता है कि ये जो इतना सारा पढ़ाते हैं, इतना सारा पढ़ाते हैं और छोटे बच्चों को जो समझ में नहीं आती है ऐसी ऐसी चीजें पढ़नी पड़ती है, उसमें कुछ इजी एजुकेशन होना चाहिए सलोनी, लगता है आपको? जल्दी समझ में आ जाए ऐसी चीज पढ़ानी चाहिए बच्चों को, बहुत पढ़ाई नहीं करानी चाहिए, नहीं करानी चाहिए। खेलने के लिए एक घंटा पढ़ना ठीक है? नहीं, दो घंटा। ओके, बाल कैसे बनाने अच्छे लगते हैं सलोनी को? ये जो अभी बना के दिए मम्मी ने या जो आपके बोला होगा कि ऐसे बनाने, कैसे बाल बनाना पसंद करती है? जो मम्मी हेयर स्टाइल करती है। ओके, खाने में क्या पसंद है सलोनी को? नॉनवेज। क्या? चिकन और मटन। चिकन में कौन सी चीज अच्छी लगती है? मसाला चिकन और रोटी। मसाला चिकन और रोटी, बहुत सारी बातें करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शक मित्रों, समय थयो छे एक नानकड़ा विराम नो, सलोनी साथे घणी बधी वातो करीशुं, एक विराम। सारी उम्र हम मरमर के जी लिए, एक पल तो आप हमें जीने दो। सारी उम्र हम मरमर के जी लिए, एक पल तो आप हमें जीने दो। जब मुझे कोई मेरी बुक नहीं मिलती तो बहुत गुस्सा आता। लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की दम पे जो मारा तोड़ा, दड़ा 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 दम उठा के दड़ा। मैं मिशेल और मैं लड़की बहुत मामूली हूँ। કોઈ છે નંબર 1 ની સાથે, કોઈ છે સનસની સાથે, ગુજરાત ન્યૂઝ સત્યની સાથે। बात फरी एक बार स्वागत है आपनु कार्यक्रम अतिथिमा। सलोनी जी, आपने बताया कि खाने में चिकन और मटन तो बहुत अच्छा लगता है, और खास करके मसाला चिकन फेवरेट, दोनों हाथों से दे धड़ाधड़ है ना। रोटी कितना खा लेते हैं आप? 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 50। एक सिर्फ चिकन पूरी प्लेट है ना। अच्छा, गाना भी गाते हैं राइट? गाना कभी कभी गा लेते हो, कभी कभी शो में अगर स्क्रिप्ट में दिया तो। आपका फेवरेट गाना कौन सा है? थ्री इडियट्स वाला। कौन सा? गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन वाला। थोड़ा सुना ना। और सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो आप हमें जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो आप हमें जीने दो। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. And give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. Okay. सलोनी, इसके साथ साथ में पढ़ाई के साथ साथ बाकी क्लासेस भी करते होंगे आप, कुछ सिंगिंग के, डांस के, या तो स्विमिंग, क्या 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 करते हैं खास उसके साथ पढ़ाई के साथ? मेरे को स्विमिंग अच्छी लगती है, लेकिन मैं क्लास को नहीं जाती। ओके, लेकिन स्विमिंग में जाते हो सही है ना। ओके, उसके साथ साथ और कुछ भी आपको सिखाने आते कोई टीचर, कोई सर? मतलब जैसे स्विमिंग है आप सीखने नहीं जाते हो, लेकिन पहले सीखा था, अब आती है, अब आ गई है पूरी।
ओके एक एक बात मुझे और पूछनी है, आपको कौन से कलर के कपड़े अच्छे पसंद है? कलर कौन सा पसंद है आपको? रेड, ब्लू, ब्लैक, पिंक और रेड? पिंक और रेड, ओके। गुस्सा कब आता है सलोनी को? कब गुस्सा आता है? जब कब? कभी भी। फिर भी कब आता है? सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? जब मुझे कोई मेरी बुक नहीं मिलती तो बहुत गुस्सा आता है। बुक नहीं मिलती मतलब घर में कहीं रख गई है, मिल नहीं पाती है, तो गुस्सा आता है, तो क्या करती है सलोनी? कुछ भी। चिल्लाती है? क्या चिल्लाती है? कैसे कुछ भी करती हूँ। कुछ भी कर लेते। ओके सलोनी को कार कौन सी पसंद है? कौन सी कार में बैठनी पसंद करती है सलोनी? मुझे स्विफ्ट डिजायर अच्छी लगती है। स्विफ्ट डिजायर अच्छी लगती है, ओके। बच्चों के लिए जितने गाने हैं, बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के गाने आते हैं ना, मालूम है ना कौन से गाने हैं, उसमें से सबसे पसंद बच्चों के गाने कौन से पसंद है आपको, जो छोटे बच्चे ज्यादा गाते हैं? लकड़ी की काठी काठी वाला। थोड़ा गा लो, अच्छा लगता है मुझे भी, बहुत पसंद है। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दम पे जो मारा तोड़ा, तोड़ा 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 दम उठा के दड़ा। ओके सलोनी, जब आप कंपटीशन में मतलब परफॉर्म करते हैं, आपके साथ पार्टनर भी होता है, जब मार्क्स जज देते हैं, है ना, जज मार्क्स देते हैं ना, तो उसमें कभी कम मार्क मिलते हैं तो बुरा लगता है कि इतना अच्छा परफॉर्म किया फिर भी कम मिले, ऐसा होता है? बुरा नहीं लगता है। तो वो थोड़ा ऐसा लगता है, थोड़ा लगता है ना, फिर नेक्स्ट टाइम सोचते हैं कि चलो एक और परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे, है ना। अच्छा सलोनी, चलो अभी तक ये लास्ट मेगा क्वेश्चन है, अभी तक का आपने जितने भी परफॉर्मेंस किए उसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आपको कौन सा लगा? आपको मजा आया था कि यस ये मैंने बेस्ट किया था मम्मी? मुझे एक हमने छोटे मियां बड़े मियां में टीवी वाला एक किया था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो जरा एक बता दीजिए हमें, डायलॉग्स तो अगर याद है तो आपको? नहीं, उसे बहुत दिन हो गए। ओके, तो उसके अलावा और कोई भी एक अच्छा आपने परफॉर्म किया वो डायलॉग सुना दीजिए। सचिन ने एक बार किया था मैंने। क्या क्या? सचिन तेंदुलकर का। वो जरा बता दीजिए। आइला एक हमने मिशेल का किया था, वो फॉरेनर रहते हैं और एनिमल्स को वो एक हमने किया था वो। मैं मिशेल और मैं लड़की बहुत मामूली हूँ, ऐसा था। ओके ओके सलोनी तो ऐसे भी बड़ी तो हो चुकी है, इतना बड़ा नाम हो चुका है, हिंदुस्तान के कोने कोने में लोग सलोनी को जानते हैं, कोई सलोनी के नाम से बुलाता है, कोई गंगूबाई के नाम से बुलाता है। अभी सलोनी बड़ी होके क्या बनना चाहती है? मुझे वेटरनरी डॉक्टर बनना है। अच्छा, ओके, विश यू ऑल द बेस्ट सलोनी। दर्शक मित्रों, आती चर्चा नानी, परंतु बहुज मोटी कही शकाय, नानी उम्र में खूब ज मोटा स्थाने पहुंचेली सलोनी साथे। फरी मळीशु नेक्स्ट एपिसोड में एक नवा अतिथि साथे, त्यां सुधी रजा आपशो, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट सलोनी। थैंक यू।